हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, उम्मीद करती हूं आप प्रसन्न और स्वस्थ होंगे और रेगुलर नई नई जानकारी आप प्राप्त कर रहे होंगे। और जिन्होंने मेरे चैनल पर आकर मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और उनमें है सुनीता रानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना आपको मुझसे स्नेह है, मुझे भी उतना ही स्नेह है। और प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। और बहुत से नाम हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं अवश्य ही अपने आने वाली वीडियो में उन सब के नाम भी आपसे शेयर करूँगी। और सुनीता रानी जी, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरे वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ और आज मैं आपको बता रही हूँ कि धनतेरस के दिन जो आप नए बर्तन खरीद के लाते हैं, सबसे पहले उनके साथ आपको क्या करना है, आज यही बता रही हूँ। बर्तन तो आपने खरीद लिए, चांदी के, सोने के या पीतल के, तांबे के वैसे अवॉइड करें, तांबे के नहीं खरीदने चाहिए। चांदी बेस्ट रहती है, सोना बेस्ट रहता है। और जैसे स्टील के भी बर्तन खरीदते हैं, स्टील भी अच्छी क्वालिटी की खरीदें जिसमें लोहा वगैरह नहीं हो, थोड़ा जांच के अच्छे से खरीदें तो ये बर्तन शुभ रहते हैं। इसके अलावा कई लोग क्रॉकरी खरीदते हैं और कई तरह की चीज़ें कुल मिला के खरीदते हैं इस दिन। लेकिन घर में लाकर सबसे पहले क्या करना है, ये बता रही हूँ आपको। घर में लाकर सबसे पहले उस बर्तन को धोकर शुद्ध कर लेना चाहिए और यदि सामान्य जल के साथ में थोड़ा सा गंगा जल भी आप मिश्रित कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। इसके बाद में आप उसमें रोली और चावल वगैरह और मोली बांधकर उसकी पूजा करें और सबसे पहले उस पर एक छोटा सा स्वास्तिक बना दें तो वो बर्तन शुभता तो वैसे ही बढ़ गई क्योंकि आप उसको धनतेरस के दिन खरीद के लाए हैं। और उसके बाद घर पर आकर इस तरह से आपने सामान्य सी पूजा विधि से उसको पूजित कर लिया तो वो और भी समृद्धि वाला बर्तन बन गया। और सबसे पहले जो बर्तन है, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई कढ़ाई लेकर आए हैं या भगोना लेकर आए हैं, सबसे पहले उसके अंदर कोई ना कोई मीठी चीज़ बनानी चाहिए, जैसे हलवा है, खीर है, इस तरह की चीज़ बनानी चाहिए। और यदि कोई लोटा है, गिलास है जिसमें कि कुछ बना नहीं सकते तो उसमें कोई बताशा वगैरह या थोड़े से चावल आप रख कर उसको प्रतीकात्मक रूप में, जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं और एक मिष्ठान भेंट कर रहे हैं, इस तरह से आप उसमें रखकर फिर वापस निकाल सकते हैं, पर शगुन के तौर पे उसमें आप बताशा वगैरह और इस तरह की चीज़ें रख दीजिए। तो इस तरह से आपको बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए और बर्तनों का इस तरह से प्रयोग करने से बर्तन आपको दिनों दिन समृद्धि दिलाएँ, यही मेरी कामना है। और आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल पर आप बने रहिए, ऐसे ही मुझे स्नेह और आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।